हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। आपको याद दिला दें, हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल फार्मेसी। इसमें जनरल फार्मेसी में यूनिट नंबर 5 है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इससे पहले भी दो लेक्चर हो गए हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि ऑइंटमेंट को बनाते कैसे हैं। तो ऑइंटमेंट बनाने के चार तरीके हैं, बहुत आसान तरीके से समझिएगा, कहानी तो बहुत लंबी है, लिखवा देंगे बाद में। फ्यूजन मेथड है, ट्राइचुरेशन मेथड है, केमिकल मेथड है और डाइल्यूशन मेथड है। चार मेथड होते हैं जिसके हम ऑइंटमेंट बना सकते हैं। आपको एक चीज बहुत ध्यान से पता होना चाहिए कि जब भी हम बनाते हैं ऑइंटमेंट तो हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है। पहले तो एक हमारे पास मेडिकामेंट होता है या मेडिसिन होता है जिसका एक्चुअल रोल है हमारी बॉडी में, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अब इसको हम किसी बेस के साथ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? बेस। पढ़ा था ऑलरेडी ने, बताया था कि इसमें एक्सीडेंट को हम क्या बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, बेस के साथ मिलाते हैं। अच्छा, बेस में भी एक नहीं होता है, कई होता है। मान लो ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, उसमें कई तरह के वैक्स एक साथ मिलाए जाते हैं। जैसे वूल फैट मिला दिया, बीज वैक्स मिला दिया, पैराफिन मिला दिया, हार्ट पैराफिन मिला दिया, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया। तो कई चीजों को मिला के मिक्सचर बना के हम बेस बनाते हैं। एक ही बेस में कभी भी कंटेंट नहीं डालते और ये मेडिकामेंट। उसके साथ साथ यहाँ पे बेस के मिलाने के बाद इसी बेस में हमारा क्या क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेटिव भी है ना, कोई एक आध प्रिजर्वेटिव भी है, एक आध कलरिंग एजेंट भी है, एक आध फ्लेवरिंग एजेंट भी है। तो इसी बेस में कई जो कंटेंट है उसमें ढेर सारी चीजें मिली रहती है और ये मेडिकामेंट है। तो हमें क्या करना है कि हमको ये मेडिकामेंट और ए बी सी डी सारा यूनिफॉर्मली मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करना है कि अगर किसी भी किनारे से हम ऑइंटमेंट एक उंगली में निकाले तो उतना ही ड्रग आए जितना सब में आना चाहिए। यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक खास बात हमको ध्यान देनी है कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपके डिब्बी में ऑइंटमेंट भरा है तो कहीं से भी ऑइंटमेंट आप एक चम्मच निकाल लीजिए, उसमें ड्रग की कंसेंट्रेशन हमेशा बराबर हो। चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, चाहे यहां से निकालो, कहीं से भी तुम ऑइंटमेंट निकालोगे उसमें जो ड्रग है, एक्टिव मेडिकामेंट है, उसका कंसेंट्रेशन बराबर होना चाहिए। इसका ये कभी पॉसिबल है जब हम उसको अच्छे से मिक्स करें। जैसे आप सब्जी बनाते हैं उसमें नमक डाल दीजिए और मत चलाइए, तो कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, खाने का टेस्ट बराबर तो नहीं रहेगा, लेकिन उसको बकाते चला दीजिए बराबर मिल जाएगा, हर जगह सेम टेस्ट रहेगा। उसी कहते हैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अब ये जो चार तरीके हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूजन मेथड। तो फ्यूजन मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिए। फ्यूजन मेथड ने कहा कि भैया आपके पास जितने भी कंटेंट है पहले आप उनको एक पेपर में लिखिए और सबका मेल्टिंग पॉइंट लिख दीजिए, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने माना भैया हमारे पास इतनी चीज है ना, ए बी सी डी और मेडिकामेंट है। तो हमने देखा, मान लो हमने सेट कर दिया बी डी मेडिकामेंट ए सी, मतलब सपोज कि हमने माना कि बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80-90 डिग्री है, डी का जो है 75 है, एम का जो है 65 है, ए का जो है 50 है और सी का जो है 40। मतलब सभी को ये सीक्वेंस कैसे बनाना है, सभी का पहले मेल्टिंग पॉइंट नोट करिए और मेल्टिंग पॉइंट नोट करने के बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। कैसे अरेंज करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? तो इस तरह से करिए, बनाने का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद आप अपना कंटेनर लीजिए, जिस कंटेनर में आपको बनाना है ऑइंटमेंट, इसको हीट पे रखिए, इसको गर्म करिए और सबसे पहले क्या करिए, टेम्परेचर बढ़ाइए उसके मैक्सिमम तक, यानी टेम्परेचर ले जाइए 90 तक और डाल दीजिए बी। क्या डाल दीजिए? बी। और बी डालने के बाद ग्लास रॉड की हेल्प से, दिस इज द ग्लास रॉड, आपको कॉन्टिन्यू स्टीर करना है। कंटिन्यू क्या है, चलाते रहना है। सबसे पहला डालिए क्या, मेल्टिंग पॉइंट हाई वाला। जब वो मेल्ट हो जाए, जब उनको लगे कि वो सॉलिड से क्या हो गया, पिघल से घी होता है, गर्म करो तो पिघल जाएगा, उसी तरह से फैट भी सारे क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। तो जब आपको लगे कि ये पिघल गया है, अब ये सब कुछ पिघल गया है, तो तुरंत आ जाओ दूसरे वाले, दूसरा वाला क्या 75। अब इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा, भाई जब गैस धीमा करोगे या लाइट धीमी करोगी तो पिघलते पिघलते जब 75 आ जाए, लगे टेम्परेचर घट रहा है, आप थर्मामीटर लगा के हाथ चेक करते रहिएगा, जब 75 आ जाएगा अब ये डालो डी वाला।
अब डाल दिया, अब पका दे, ग्लास वाट से स्टीर करते रहो, गरम करते रहो, दोनों को मिक्स करते रहो। ये बी और डी बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाए। जब बी और डी मिक्स हो जाए तो टेम्परेचर को फिर कम करो, करते 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 जब 65 पे आ जाएगा तो एम डाल दो, मेडिकामेंट डाल दो, फिर उसको उसी तरह से स्टीर करते रहो, स्टीर करते रहो, स्टीर करते रहो, मिक्स करते रहो। जब मिक्स हो जाए टेम्परेचर और घटाओ, 50 पे ले आओ इसको डाल दो, उसी तरह और घटाओ 40 करो और लाके इसको। फ्यूजन मेथड क्या है? फ्यूजन में सभी को एक दूसरे से फ्यूज करना है, फ्यूज मतलब जोड़ना है, सभी को फ्यूज कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे इसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है कि प्रोसीजर घटाते हैं, टेम्परेचर को घटाते हुए सबसे पहले हाई फिर लो फिर लो फिर लो ऐसे करते करते हो, इसमें नुकसान क्या है, मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम सारे को मिलाकर एक साथ गर्म करेंगे तो हमको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हाईएस्ट वाला। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि मान लो टेम्परेचर कम रखेंगे, मान लो टेम्परेचर रखा 70, तो 70 में एक दो तीन ये दोनों पिघल जाएंगे, लेकिन ये दोनों को मेल्ट नहीं होगा, तो टेम्परेचर हमको रखना पड़ेगा हाईएस्ट वाला जिसमें सारा मेल्ट हो जाए। अच्छा 90 को सारा मेल्ट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये और ये हमारा मेडिकामेंट जो है वो ज्यादा टेम्परेचर उसका एक्शन खत्म हो गया, उसका जो एक्शन है वो डिटेरियोरेट हो जाए, यानी उसका एक्शन खत्म हो जाए, इसीलिए हम हाई टेम्परेचर उसको मेल्ट नहीं कर सकते, तो ये मेथड अपनाते हैं जिसको कहते हैं फ्यूजन मेथड। समझ में आ गया? बहुत ही आसान मेथड था फ्यूजन मेथड। एडवांटेज बताया आपको कि कोई भी मटेरियल है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको आखिर डालेंगे ठंडा करने के बाद डालेंगे, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। कुछ इसके लिए सावधानियां बरतनी पड़ती है, सावधानियां कि आपको टेम्परेचर के सिक्वेंस में ही लगाना होगा, ऊपर नीचे अगर आप गलती से लगा देंगे तो खराब हो जाएगा। दूसरा, जब आप इसको बना रहे हैं तो आपको कंटिन्यू स्टीरिंग करनी है, आप अपना हाथ रोक नहीं सकते, आपको ग्लास रॉड से लगातार स्टीर करना है, अदरवाइज क्योंकि जैसे जैसे आप ठंडा होता जा रहा है तो जो ऊपर वाला है इसे ठंड मेल्ट क्या होगा, धीरे धीरे जमेगा, जमेगा तो ये जहां भी पाएगा वहां इकट्ठा हो जाएगा। जब आप कंटिन्यू ट्रैचुरेट करते रहेंगे, उसको चलाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका ठंडा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये, और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी यही है कि लगातार चलाना पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये लुक्स बहुत टाइम लेता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओ फिर धीरे धीरे कम करो, फिर नापो फिर डालो, फिर नापो फिर डालो, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। दिस इज द फ्यूजन मेथड, क्लियर हो गया। दूसरा है ट्रैचुरेशन मेथड। ट्रैचुरेशन मेथड भी बहुत आसान तरीका है, इसको भी समझते हैं, एक साथ समझ लेते हैं फिर सारा लिख लेते हैं। ट्रैचुरेशन आप जानते हैं ना, जब मोटार फिसले गए छोटे छोटे करते हैं ना, ऐसे सब मिलाते हैं, ऐसे लोटी पम्पी लोग पीसती है ना घर पे, सोटी लोड़ा होता है ना पीसती है, उसमें तो वो क्या है ट्रैचुरेशन है, उसी को ट्रैचुरेशन कहते हैं। या मोटार फिसले गए जिससे हिला रहे हो, क्या है आपका ट्रैचुरेशन। इसमें हीटिंग का कोई रोल नहीं है, इसमें हीटिंग का कोई रोल नहीं है। इसमें भी मान लीजिए हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, भैया हमारे पास ए बी सी डी एम है, तो हम क्या करेंगे, जो जैसा सॉल्युबल है पहले एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेंगे, क्या करेंगे हम, जैसे हमने मान लिया हमारे पास मोटार है और ये हमारे पास पेसर है, ये मोटार है और पेसर है, तो कैसे करेंगे ट्रांसलेशन मेथड में, सारे इंग्रेडिएंट को हमने अलग अलग रख लिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा बेस है, जो हमारा क्या है मेन बेस है, उस बेस को हम इसमें डालेंगे, मान लिया हमारा बी बेस है, और बेस डालने के बाद हम एक सॉल्वेंट डालते हैं। अच्छा इसमें खास बात है कि इसमें सॉल्वेंट का होना बहुत जरूरी है, सॉल्वेंट यानी कोई लिक्विड फॉर्म में ऑयल, पानी नहीं है, कोई लिक्विड फॉर्म में ऑयल, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे, डालने के बाद मोटार प्रेशर से खुद तरह चलाएंगे, और जब चलाएंगे मान लो बेसिक करो तुमने घी डाल दिया है या मोम डाल दिया है और तेल डाल के मिक्स करोगे तो फिर धीरे धीरे कुछ गाढ़ा होता जाएगा और पूरा मिक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है कि पूरी तरह से वो मिक्स हो जाएगा, तो फिर कंटेंट नंबर ए डालो, मतलब कुछ और डालो, उसको मिक्स करो, बहुत देर तक मिक्स करते रहो मिक्स करते रहो, जब पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो बी डालो, फिर सी डालो, फिर डी डालो, और फिर लास्ट में क्या डाल दो, इसमें मेडिसिन लास्ट में डालते हैं सारा कुछ करने के बाद, और बेहतरीन हाथ से ही ट्रैचुरेट करते हैं। तो ट्रैचुरेशन मेथड का मतलब ये होता है कि अपने हाथ से मोटार पेसल का यूज करके कंटेंट को धीरे धीरे डालते हुए उसको आपस में मिक्स करना, दिस इज द ट्रैचुरेशन मेथड। समझ आ गया? कुछ नहीं, बस कंट समझो, पॉइंट वाइज को लैब में कर लोगे तो समझ आ जाएगा, बस समझो, क्योंकि थ्योरी बहुत आसान है, वो निकाल दूंगा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड में हम केमिकल रिएक्शन का सहारा लेते हैं, जैसे कि हमको आयोडीन बीटाडीन जानते हो, नाम सुना बीटाडीन, ये एक लोशन होता है ना, ये थोड़ा फुंसी के लिए इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा मलहम होता है। अब ये बीटा मान लीजिए कोई ऑइंटमेंट बनाना है इसमें आयोडीन वाला, तो आयोडीन जैसे मान लीजिए हमारा कोई ऑयल है, ये लिनोलेइक एसिड ले लो, पाल्मिटिक एसिड ले लो, और इसमें हमने आयोडीन मिलाया,
तो अब ये क्या होगा कि ये ऑइंटमेंट नहीं बनेगा क्योंकि ये आयोडीन ऑयल में सॉल्युबल ही नहीं है, और अगर हम ट्राई करना चाहे पानी के साथ तो पानी भी सॉल्युबल नहीं है। तो आयोडीन ऐसा मटेरियल है ना पानी में घुल रहा है ना तेल में घुल रहा है, तो ऐसे और आयोडीन इतना जरूरी है कि भाई फोड़ा फुंसी के लिए बहुत ही रामबाण दवा होती है, बहुत ही असरदार दवा होती है, इसका मलहम बनाना भी जरूरी है, इसका ऑइंटमेंट बनाना भी जरूरी है। तो हम कैसे करें इसके लिए, तो इसके लिए तीसरा मेथड है केमिकल मेथड, इसकी सहायता लेते हैं। सहायता मतलब क्या लेते हैं, सबसे पहले हम आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लेते हैं, उसमें आयोडीन को डाल देते हैं। जब आयोडीन को डाल देते हैं तो आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड में पूरी तरह से घुल जाता है, आयोडीन सिर्फ घुलता है पोटेशियम आयोडाइड। जब आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड में घुल गया बन गया कि हमारा सोल्यूशन में आयोडीन ठोस फॉर्म में होता है, आपने कॉलेज में देखा होगा ब्राउन कलर होते हैं पत्थर पे है ना, और ठोस फॉर्म में होता है और ये प्रोडक्ट ये क्या है लिक्विड फॉर्म में, दोनों को मिला दिया अब घुल गया। अब जब ये सोल्यूशन घुल गया अब इसको किसमें मिलाएंगे, अपने ऑयल में या बेस में, अब ठीक है ना ऑयल में मिलाएंगे या बेस में। तो क्या हो रहा है कि पहले केमिकल रिएक्शन कराए, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या बना रहे हैं ऑइंटमेंट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम है केमिकल मेथड। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड हो गया, हमारे आयोडीन सॉल्यूशन, क्योंकि आयोडीन वाटर सॉल्युबल नहीं है ऑयल सॉल्युबल नहीं है, दैट्स व्हाई इसको हम पोविडॉन आयोडीन जो हमारा होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करके पहले घोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जब ये सॉल्युबल हो जाता है तब इसको हम बाकी जो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम फिर करेंगे, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, बाकी का पूरा काम वही, ठीक है। हमने मिलाया उसको मिक्स किया तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोसीजर क्या है केमिकल मेथड, क्लियर हो गया। ये केमिकल मेथड क्या हो रहा है, जैसे कि इसे आपने देखा होगा पोविडॉन आयोडाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें पोवी मतलब पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड पोविडॉन आयोडाइड भी कहते हैं इसको। ये तीसरा मेथड था हमारा केमिकल रिएक्शन मेथड। चौथे मेथड की बात करें डाइल्यूशन मेथड, आप साफ समझ रहे हैं डाइल्यूशन मेथड क्या होता है कि ये हम अपने नॉर्मल ऑइंटमेंट को ही जो पहले से बना है, इसे बनाने कोई खास नहीं, पहले और जो बना है उसको कभी कभी हमको डायल्यूट करना पड़ता है, डायल्यूट करके उसको पतला करना पड़ता है, विस्कोसिटी कम करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें जब कहीं लेप लगाना होता है तो उसमें क्या होता है हमारे पास ये ऑइंटमेंट पहले से ही है, उस ऑइंटमेंट में हमने क्या डाला सॉल्वेंट, जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट चाहिए हो, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज ज्यादा करते हैं पीईजी का, अदरवाइज ग्लिसरॉल भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सॉल्वेंट हमको सही लगे उस सॉल्वेंट को डालते जाओ चलाते जाओ डालते जाओ चलाते जाओ, धीरे धीरे ये पतला हो जाएगा और ढेर सारा हो जाएगा। अच्छा जरूरत इसी की पड़ती है, मान लीजिए कोई पेशेंट है जब उसको बर्न वाला केस, उसका शरीर काफी जल चुका है, तो उस केस में जले हुए केस में आप लेके ऑइंटमेंट ऊपर रगड़ नहीं सकते, तो आपको ऑइंटमेंट को डायल्यूट करके उसको एक लिक्विड तरह बनाना होगा, फिर उसकी स्किन के ऊपर आपको पतली सी लेप लगानी होती ताकि आप उसको पेन भी ना हो और ज्यादा लिक्विड पहुंच भी। तो ऐसे केस में जो हमको ऑइंटमेंट को पतला करके उसका वॉल्यूम बढ़ाना होता है इस केसेस में बर्न वाले केसेस में, तो हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो क्या है डाइल्यूशन, यानी इसमें प्रिपेयर होता है डाइल्यूशन, ऑइंटमेंट पहले से ही प्रिपेयर होते हैं, बस उसको हम सॉल्वेंट डाल के उसको डाइल्यूट करते हैं। तो इसमें एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फ्यूजन, हर बार एग्जाम में अगर कोई मेथड आता है तो क्या आता है फ्यूजन। तो अगर आप फ्यूजन मेथड तैयार हो ही गया, अगर आपसे पूछेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन चारों लिखिएगा, चारों को लिखिएगा टेल करिएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में फ्यूजन मेथड ही पूछा जाता है ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट वही है और लैब में भी आप वही करेंगे, समझ में आ गया। ये था हमारा पूरा का पूरा बनाने की विधिया ऑइंटमेंट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिखिए।